पुस्तकें पढ़कर फेल होते तो बहुत सुना होगा, लेकिन बिना पुस्तकें पढ़े पास होना बहुत कुछ अटपटा सा लगता है। ये बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की हालत है, जो दरभंगा जिला के तारडीह प्रखंड में वर्ष 2017-18 में सरकारी विद्यालय में पुस्तकें तो उपलब्ध नहीं करवा सकी, लेकिन अब परीक्षा ले रही है। प्रखंड के कुल 98 विद्यालयों में पूरे एक साल रहते पुस्तकें उपलब्ध जब नहीं करवाया जा सका, तो क्या परीक्षा के दौरान सभी विद्यालयों को प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाया गया? जी हां, 12 मार्च से शुरू हुई वर्ग 1 से 8 तक के वार्षिक परीक्षा बिना पढ़े बच्चे पास होंगे। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की समय पर उचित मात्रा में नहीं मिल रहा है। कहीं कहीं तो परीक्षा की पाली समाप्त हो गई लेकिन प्रश्न पत्र नहीं पहुंचा। देखिए बिना पढ़े बच्चे कैसे परीक्षा में भाग ले रहे हैं। यह है मध्य विद्यालय मैया, यहां देखिए बच्चे कैसे बिना पढ़े लिखे हुए परीक्षा दे रहे हैं। इन्हें किताब तो मिली नहीं लेकिन परीक्षा देने के लिए बैठे हुए हैं। बच्चे के सामने क्वेश्चन पेपर पड़ी हुई है लेकिन बच्चे के समझ में यह नहीं आ रहा है कि वो क्या लिखें क्या नहीं लिखें। मुख्य दर्शक बन बच्चे अपने पाठ क्वेश्चन को देख रहे हैं लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखें। ये देखिए क्वेश्चन पेपर बच्चों को दी जा रही है, क्या बच्चे इसे भर पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। ये बच्चे बिना क्वेश्चंस के ही बैठे हुए हैं। इन क्लास में बच्चे को देखिए क्वेश्चन लेकर के बैठे हुए हैं लेकिन इन्हें यह नहीं समझ में आ रहा है कि इन्हें कैसे भरा जाएगा। इस क्लास में तो एक बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें ये यहां तक की जानकारी नहीं है कि आज मैं किस विषय का परीक्षा दे रहा हूं और आज मैं किस क्लास में पढ़ता हूं और मेरी क्या परीक्षा हो रही है। देखिए ये लड़का अपने आप को बताएगा, इसे मुझे जानकारी ही नहीं है कि मैं किस चीज का एग्जाम दे रहा हूं। इसे जानकारी नहीं है कि किस पेपर का एग्जाम है, जबकि ये लड़का 5वीं का है और इसे जानकारी नहीं है कि किस पेपर का एग्जाम दे रहा है। अब बताए, अब समझिए कैसी है स्कूल की शिक्षण व्यवस्था। इतना बड़ा बच्चा है और इसको यह जानकारी नहीं है कि वो किस विषय का एग्जाम दे रहा है, क्वेश्चन पेपर दिखला रहा है। देखिए एक शिक्षक उसे बतला रहा है कि जो पूछ रहे हैं उसे बताओ, लेकिन उस बच्चे की समझ में नहीं आ रही कि मुझे क्या करना है। पढ़ेगा ही नहीं तो बच्चा वो बोलेगा क्या। एक ऐसा स्कूल जो आज तक नहीं खुला, ये है दुगना चिन्हा पंचायत का दुगना मुसहरी। ये स्कूल आज कागज पर तो चलती है लेकिन परीक्षा नाम का नहीं। यहाँ दो शिक्षिकाएं मौजूद है। देखिए स्कूल का कमरा बंद है, ज्यादा हालत में पड़ा हुआ स्कूल का ये बंद कमरा। ये देखिए कैसे स्कूल में परीक्षा का समय है, बच्चे एक भी नहीं है, दो शिक्षिकाएं बैठी है, एक शिक्षा कैमरा देख करके निकली है, बच्चे की किताब और बोर्ड बिछी हुई है लेकिन बच्चे एक भी नहीं है। देखिए बच्चे का बोरा भी नजर आ रहा है, किताब भी नजर आ रहा है लेकिन एक भी बच्चा आपको नजर नहीं आ रहा, जबकि परीक्षा का समय है। अब कैसा भी परीक्षा का संचालन हो रहा है, एक शिक्षिका बच्चे को खिला रही है जो कि उनके खुद बच्चे हैं। अगर वो अपने बच्चे को खिलाने के लिए आएंगे तो पढ़ाने के लिए क्या आएंगे वो। देखिए स्कूल की संचालन व्यवस्था पर क्या सवाल उठाता है। यह शिक्षिका बतला रही है कि प्रधान अध्यापक क्वेश्चन पेपर लेने के लिए गए हैं, उन्हें कुछ बता रहे हैं कि परीक्षा भी हो गया है लेकिन उनके पास में ना तो क्वेश्चन पेपर है। बच्चे जो परीक्षा दिए हैं उनका क्वेश्चन पेपर नहीं है, ढूंढ रहे हैं क्वेश्चन पेपर्स को जो बच्चे जमा किए हैं, इनके पास में क्वेश्चन पेपर्स नहीं है। ये बताएंगे कि क्वेश्चन पेपर प्रधान अध्यापक लेकर के संकुल पर जमा करने के लिए गए। वास्तविकता यह है कि हरिजन की बस्ती में स्थापित ये स्कूल न तो ये शिक्षक शिक्षा के प्रति ध्यान देते हैं और न यहाँ के न जनता शिक्षा के लिए जागरूक है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। यानी ये कुल मिलाकर कि ये कहा जा सकता है यहाँ के शिक्षक सिर्फ मलाई ही मार रहे हैं,
काम का भेद नाम का तो ये शिक्षक है, वेतन शिक्षक के नाम पर ले रहे हैं, लेकिन पठन पाठन में पूर्ण तरह से ये बेकार है। सिर्फ समय बर्बाद करने के लिए शिक्षक यहाँ आते हैं और पैसा लेते हैं सरकार का। और सबसे दुर्भाग्य है कि विभाग की भी उदासीनता यहाँ साफ नजर आती है। विभागीय अधिकारी कभी यहाँ जांच नहीं किए, ना तो कभी MDM बनता है, ना ही कभी बच्चे को बुलाया जाता है, ना ही यहाँ तक की जानकारी के अनुसार यहाँ बच्चों को सही से पोशाक राशि और छात्रवृत्ति भी नहीं मिल पाई थी। लेकिन इस बार से सरकार के दिशा निर्देश बदलने के बाद हो सकता है कि मिल जाए या तो प्रधानाध्यापक रामाधीन महतो जी जो कागज पर ही अपनी हाजिरी बनाते हैं, विवाद की मिली भगत है, इसमें साफ नजर आता है। आइए चलते हैं, यह है चिन्हा पंचायत का कठरा प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय कटरा है, सुंदर भवन देखने में, अब क्या अंदर की दृश्य देखते हैं, अंदर दृश्य में क्या सुंदर बच्चे लिख रहे हैं या नहीं लिखे, ये देखिए बच्चे परीक्षा भवन में बैठे हुए हैं, क्वेश्चन सामने पड़े हुए हैं, जैसे देख करके झूम रहे, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि परीक्षा में क्या करना है, लिखना है, प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न उत्तर देने के बदले में बच्चे लोग झूम रहे हैं, जैसे ये पढ़ाई कर रहे हैं। ये बच्चा इस बच्चे के पास में क्वेश्चंस तो हैं, खुली हुई है, लेकिन लिख नहीं रहा है, ये पढ़ाई कर रहा है क्वेश्चंस का। इससे जब मैंने पूछा क्या क्या सब्जेक्ट है, एग्जाम हो रहा है, तो मैं बच्चा हिंदी तो बताता है लेकिन लिखने के बदले में कॉपी पर लिखना शुरू करता है अपना नाम। ये दुर्भाग्य है शिक्षा व्यवस्था का। यहां फिर मिलाकर यह कहा जा सकता है कि शिक्षा व्यवस्था को प्रशासनिक विभाग की उदासीनता के कारण शिक्षकों ने भ्रष्ट कर रखा है इसे। शिक्षा बच्चों को शिक्षा देने के नाम पर लोग सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। लेकिन ये लड़कियां परीक्षा देने के लिए बैठी हुई है, जैसे मालूम पड़ रहा है कि पढ़ाई कर रही है। परीक्षा क्या है उन्हें कुछ जानकारी नहीं है। आप खुद देख सकते हैं कि परीक्षा दे रहे हैं, हिंदी का सब्जेक्ट है, हिंदी का परीक्षा हो रहा है, उसी लड़की में परीक्षा दे रही है। पद आगे चलते हैं, यह उत्क्रमित मध्य विद्यालय खिन्हा, ये भी सुंदर भवन, लेकिन बच्चे बड़े बच्चे 7-8 के बच्चे को जमीन पर बैठ करके परीक्षा देना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है कि बड़े बच्चों के लिए बेंच डेस्क का व्यवस्था की जा रही है विभाग के द्वारा, लेकिन यहाँ बेंच और डेस्क नहीं। यदि 6 क्लास के बच्चे हैं, सॉरी 5वीं क्लास के बच्चे हैं जो बेंच पर बैठ करके परीक्षा दे रहे हैं, 5वीं क्लास के बच्चे बेंच पर बैठ करके परीक्षा दे रहे हैं। जी हाँ, 5वीं क्लास के बच्चे बेंच पर बैठ करके दे रहे हैं परीक्षा, जबकि आगे चलते हैं। यह बच्चे एक शिक्षिका है जो क्वेश्चन पेपर को हल कर रहे हैं, बच्चों को देने के लिए हल करके जोर जोर से पढ़ रहे हैं, बतला रहे हैं बच्चों को। बच्चे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि एग्जाम्स कैसे होती है, लिख तो रहे हैं उन्हें पता नहीं होंगे कितने क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस स्कूल में उर्दू का भी एग्जाम्स हुआ, लेकिन उर्दू के क्वेश्चन में सही से नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण उर्दू बच्चे को वंचित रहना पड़ा है। ये 1 से 5 के बच्चे, अब आगे देखते हैं, ये हम बच्चे आगे बढ़ते हैं, 7 के बच्चे को देखिए फर्श पर बैठ करके परीक्षा दे रहे हैं ये लोग। इनके पास में स्कूल की तरफ से ना तो क्या कहते हैं बोर्ड का भी इंतजाम नहीं किया गया, बेंच की तो बात दूर करें, पता है जबकि उत्कर्मित मध्य विद्यालय है यहाँ बेंच अवेलेबल नहीं है, तो जमीन पर बैठ कर परीक्षा देना पड़ रहा है। उत्कर्मित मध्य विद्यालय थिनाकान बच्चे हैं, देखिए कैसे फर्श पर बैठ करके एग्जाम दे रहे हैं, फर्श पर बैठ करके एग्जाम देना और पढ़ाई करना इनका पेशा है। इनका हम किस्मत में लिखा हुआ, जबकि विभाग के द्वारा है स्कूल को बेंच उपलब्ध करवाया गया है, लेकिन इस स्कूल में बेंच ना डेस्क है ना बेंच ना उपलब्ध है।
लेकिन हम नहीं देंगे, नहीं जमीन पर बैठकर एग्जाम दे रहे हैं। क्या है प्रशासनिक व्यवस्था, देख सकते हैं शिक्षा व्यवस्था कितना लाचार है, कैसी व्यवस्था है प्रखंड की शिक्षा की। इससे साफ जाहिर होता है कि शिक्षा विभाग पूरी तरह से विफल है, विभाग की उदासीनता साफ नजर आ रही है कि बच्चे को जमीन पर बैठ करके एग्जाम देना पड़ रहा है।